Aquarius, let's say इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, तो लेट्स सी हमारे Aquarius साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है. थैंक यू Aquarius, thank you very much. One more time, please. And Shanya, all right. Aquarius. Main theme hai aapki the High Priestess. And two of swords, okay. Blockage is week ka hai aapka, 10 of cups. And the magician, very interesting. Potential hai aapki, two of pentacles and the fool card. Aur finally aapki main advice mein hai, queen of pentacles and shadow dance. जो कि है द डेविल्स कार्ड्स एनर्जी. ओके, द डेविल कार्ड. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइन ऑफ कप्स. बिहाइंड द सीन में है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी एक्वेरियस. तो यहाँ पर कुछ जैसे वो पक रहा है, समथिंग इज कुकिंग. हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में, बिहाइंड द सीन कुछ अभी बन रही हैं, पक रही हैं आपके लिए. तो अगर आपको मान लीजिए यू नो किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार है जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं की है, सिर्फ आपके आपके मन में यू नो वो विचार है या आपके वो मन की ख्वाहिश है और किसी को उसके बारे में नहीं पता, आई फील लाइक कि उस चीज़ के लिए फ़िलहाल इस वीक में आपको वेट करना पड़ सकता है. ओके, वो मुझे अभी इस वीक में मैनिफेस्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही, उसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार है. लेकिन यस, नाइन ऑफ कप्स इस बात का प्रॉमिस ज़रूर आपको दे रहा है ये कार्ड कि वो विश पूरी ज़रूर होगी आपकी. ओके, सो यस, पहला मैसेज ये. और अब आपके मेन थीम की बात करते हैं, द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव टू ऑफ सोल्स. बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड बात करते हैं गो विद हिम. ओके, ये बात करते हैं गो विद हिम, क्योंकि जो सवालों के जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए जो वो फाइनल यू नो वो जो फैक्ट चाहिए, वो फाइनल जो एडवाइस चाहिए, जो फाइनल आपको कह लीजिए कि हाँ ये फाइनल आंसर है, वो बेसिकली इस वीक में आपको अपने भीतर से ही मिलेगा. आपको जितनी इन्फॉर्मेशन बाहर से लेनी थी इस सिचुएशन के बारे में वो होगी. अब बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, अब आपको अपने एक्सपीरियंसेस में झांकना पड़ेगा, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस, आपके प्रेजेंट में आपकी कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है इसमें झांकना पड़ेगा और अपनी इंट्यूशन से कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, आपको क्या ठीक लगता है. ओके, हाई प्रीस्टेस आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैसेज इस कार्ड के द्वारा ये भी दे रही है कि चीज़ों को फुल मून की एनर्जी में देखना शुरू कीजिए. फुल मून क्या होता है, रिलीज करने की ऊर्जा और अपने आप को प्रिपेयर करना न्यू मून के लिए, एक नए साइकिल के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में फिलहाल जो भी चल रहा है एक्वेरियस, उनमें से कुछ चीज़ें डेफिनेटली फुल मून की ऊर्जा में आपको रखनी है. ये ऊर्जाएं, ये कौन सी चीज़ें अपनी फुल मून की एनर्जी में रखनी है, इसको समझने के लिए डुअलिटी को देखिए कि ये वही चीज़ें हैं जिसकी आपने अच्छाई भी देखी है, बुराई भी देखी है. ये पर्सन भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, कोई ना कोई करियर की या हेल्थ की, जिसमें आपने अच्छे दिन भी देखे हैं इस एनर्जी के साथ और बुरे दिन भी देखे हैं. और आपको अब इसी चीज़ को, इसी एक्सपीरियंस को फुल मून की एनर्जी में रखना है और इसे रिलीज़ करना है. ओके, और हाई प्रीस्टेस आपसे यही कह रही है, अगर आप ऐसा करते हैं तो यस, यहाँ पर ये जो इनर वॉइस से कंसल्ट करने का जो प्रोसेस है आपका, वो काफ़ी ईजी हो जाएगा. ओके, मैं यहाँ पर कुछ बटरफ्लाइज़ भी देख रही हूँ आपके लिए. मॉथ स्पिरिट है, टू बी ऑनेस्ट, बटरफ्लाइज नहीं है, मॉथ स्पिरिट है. तो
मॉथ स्पिरिट जो होती है ये स्पेसिफिकली सरेंडर का मैसेज लेकर आती है हमारे लिए. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सरेंडर भी करनी होंगी, खास करके ये जो उड़ने की ऊर्जा है, रिलीज की ही ऊर्जा होती है ना, हवा रिलीज. सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को आपको सरेंडर करना है, खास करके जिनका दामन आपने पकड़ रखा है लेकिन आपको भी डीप डीप डाउन पता है कि अब इसमें नहीं, इसको अब मुझे लेट गो करना पड़ेगा. सो सिचुएशन को सरेंडर कीजिए यहाँ पर और उस एनर्जी को रिलीज कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए. एंड टू ऑफ सोर्ड्स से यस, जो भी डिसीजन है बाहर से जितना जानना था, जितनी कंसल्टेशन लेनी थी, जितना पूछना था, बस हो गया, बाहर का हो गया, अब भीतर की यात्रा है. क्योंकि यहाँ पर जो मेन डिसीजन है वो आप खुद लेने वाले हैं, आप तो उसकी जिम्मा भी आपके खुद के ऊपर ही होना चाहिए. कंसल्ट भी अपनी अंतर आत्मा से करिए. ओके, आपकी ब्लॉकेज में बैठी है 10 of cups की और मजिशन की ऊर्जा. अगर आप बहुत ज़्यादा मैजिक, डेस्टिनी, लक या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन चीज़ों पर निर्भर होने लगे हैं एक्वेरियस, तो ये संकेत है ये दोनों कार्ड की. देखिए ये सब चीज़ें काम करती हैं, नो डाउट. लेकिन अगर हम यहाँ पर कर्म को सेकंड नंबर पर रखते हैं तब कुछ भी नहीं काम करेगा. कोई प्रेयर काम नहीं करेगी, कोई यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं करेगी. बैलेंस में फेथ के साथ साथ एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ब्लॉकेज में यही है कि थोड़ा सा अपने आप को ड्रीमी स्टेट से बाहर निकालें, चीज़ों को प्रैक्टिकल साइड से भी देखें, प्रैक्टिकल गोल्स रखें, प्रैक्टिकल अप्रोच रखें चीज़ों को करने की, क्योंकि असली रिजल्ट्स जो हैं आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे. ओके, ख्याली पुलाव मत बनाइए, खास करके रिलेशनशिप्स में मैं आपको कहूँगी, चाहे फिर वो फैमिली के साथ हो या फिर किसी खास पर्सन के साथ हो, ख्याली पुलाव मत बनाइए. देखिए कि जो आपके दिमाग में चल रहा है क्या वो सच में आपके इस रिश्ते में एग्जिस्ट करता है, क्या वो फीलिंग सच में है, क्या वो सिर्फ कहीं एक तरफा तो नहीं. ये सारी चीज़ों पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है आपको और जितना हो सके प्रैक्टिकल रहिए. आपके पास जो रिसोर्सेज भी हैं एक्वेरियस, आपके टूल्स, आपकी नॉलेज, आपकी डिग्री, आपकी काबिलियत, आपके टैलेंट्स, ये जो भी आपके पास चीज़ें मौजूद हैं इनको यूज़ कीजिए. ये पड़ी पड़ी जंग, इनको जंग लग रहा है, जैसे मुझे एक ऐसी ऊर्जा मिल रही है, जैसे मैजिशियन के पास मैजिक के सारे टूल्स हैं लेकिन वो इसके बावजूद मैजिक परफॉर्म नहीं कर रहा, राइट? तो वही चीज़ है कि आपके पास काबिलियत है लेकिन आप उस काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो मत करो, उससे जंग लग जाएगा आपके टैलेंट्स में, आपकी खूबियों में. सो बी प्रैक्टिकल, ओके, जितना हो सके प्रैक्टिकल बनिए यहाँ पर. 10 of cups से मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि आप देना दे क्या रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि आप एक ही किस्म की चीज़ों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं या एक ही किस्म के लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको अपनी वाइब्स को रीड करना होगा, आपको देखना होगा कि आप क्या दे रहे हो. ओके, आप अपनी ऊर्जा कैसे बांट रहे हो, शब्द क्या हैं आपके, ऑरा क्या है आपका, किसी के साथ बैठकर कितने अटेंशन के साथ उसकी बात को आप सुनते हैं, क्योंकि ये जितनी चीज़ को आप रीड करेंगे, समझेंगे अपने आप को, उसी से ही आप इन पैटर्न्स को डिस्कवर कर सकते हैं कि भला मैं एक ही जैसे एक्सपीरियंसेस को क्यों अट्रैक्ट करता हूँ, मैं एक ही जैसी सफरिंग को क्यों अट्रैक्ट करता हूँ, उसमें फिर आपको उसका आंसर मिलेगा. ओके, पोटेंशियल में है 2 of pentacles एंड द फूल कार्ड. अब फिर से वही ऊर्जा जो मुझे यहाँ पर बेसिकली दिखती है, सरेंडर, कहीं ना कहीं सरेंडर और डिटैच कीजिए अपने आप को एक्वेरियस. चीज़ों को जितना पकड़ते हैं हम, जितना उसको टाइट करते चले जाते हैं ना, उतनी वो कमज़ोर पड़ती चली जाती है. जितना हम चीज़ों के पास आते चले जाते हैं वो उतनी डेविल की ऊर्जा में बदलनी शुरू हो जाती है. फूल क्या है? फूल है डिटैचमेंट, ये अपने बैगेज को बड़ा नहीं करता. ये कहता है कि मैं हर कार्ड की यात्रा को यात्रा में जाऊंगा, हर एक्सपीरियंस को लूंगा, लेकिन मैं कहीं थमूंगा नहीं, मैं किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं पालूंगा. तो पोटेंशियल में अगर आपके ये कार्ड आया है, डेफिनेटली ये यही बात करता है कि पोटेंशियल है अपने आप को ये सरेंडर मोड में ले जाकर चीज़ों को रिलीज करने की, खुद को हल्का करने की, खुद को यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग के साथ, एक नए साइकिल के साथ जोड़ने की. ये नए एक्सपीरियंसिस के बारे में भी बात कर रहा है कार्ड. सो यस, पोटेंशियल बहुत ब्यूटिफुल है इस वीक की, लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिकल गाइडेंस मैंने आपको बताई है उसको आपको लेना है. 2 of pentacles से थोड़ा सा वेटिंग पीरियड दिख रहा है,
रहा है, जैसे यहाँ पर यू नो फूल दिख रहे हैं, लेकिन इन फूलों के साथ अब करना क्या है ये नहीं जैसे किसी को समझ में आ रहा। तो फिर से वही चीज़ जो टू ऑफ सोल्स में दिखती है कि यू नो आपको एक डिसीजन लेना है, आपको समझना है कि अब मेरे सामने ये जो लाइफ मेरे खड़ी है इसके साथ मुझे करना क्या है, यू नो मेरे सामने ये जो डिसीजंस है, ये जिम्मेदारियाँ हैं, इनके साथ मुझे करना क्या है। वही वेटिंग पीरियड यहाँ पर है, लेकिन आपको इस कार्ड के द्वारा पोटेंशियल की ऊर्जा के द्वारा यही बताया जा रहा है कि ग्राउंडिंग एनर्जी में जितना रहेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ये डिसीजन जो है आसानी से आप ले पाएंगे। आपको पता चलेगा कि मेरे सामने ये जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है या मेरा जो फ्यूचर अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग मुझे करना क्या है। ओके तो जितना हो सके ग्राउंडिंग एनर्जी में जाइए, अर्थ के साथ कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश कीजिए अपने, और जितना हो सके सरेंडर करके, डिटैच करके जीवन में सिर्फ एक्सपीरियंसेस को यू नो गेन कीजिए कि हाँ ये एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखा रहा है, ये क्या सिखा रहा है, ये क्या सिखा रहा है। ओके आपकी मेन एडवाइस में है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल कार्ड। सो वही चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बेसिकली बता रही थी कि जब हम चीज़ों को बहुत करीब ले आते हैं ना, हम अपने एक दूसरे की बाउंड्रीज में भी दखलंदाजी करने लगते हैं, रिश्तों में खास करके हम ये गलती करते हैं जहाँ पर हम सामने वाले की बाउंड्रीज को यू नो क्रॉस कर जाते हैं, उनकी यू नो रोक टोक होनी शुरू हो जाती है, तब ये डेविल की ऊर्जा आती है, सुंदर रिश्ते भी फिर काटने को लगते हैं हमें। तो अगर आपकी तरफ से ऐसी कोई गुस्ताखी हो रही है एक्वेरियस, आप अपना देखिए फिलहाल, ये मत देखिए ना ही कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि नहीं नाज मैं नहीं, ये तो सामने वाला कर रहा है, मैं नहीं सुनना चाहती। मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, खुद में झांकना है अगर, तो अपनी अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में इस पहलू को ढूंढिए। ओके शैडो वर्क में हम दरअसल अपने भीतर ही झांकते हैं, तो यहाँ पर यह समझिए कि भाई कहीं मुझ में तो ये गुण कहीं ना कहीं मौजूद तो नहीं है, कहीं मैं दूसरों की बाउंड्री को क्रॉस तो नहीं कर रहा, जब लोग बोल रहे होते हैं तो क्या मैं उनकी बातों को तो नहीं काट रहा, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज कि मुझे अपना एक यू नो अपने लिए कुछ बनाना है, मेरे अपने लिए कुछ डिज़ायर्स हैं। डिज़ायर्स, ग्रीड यही सारी काम करवाती हैं हमसे, तो प्लीज़ इस एक चीज़ से बचिए। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि पैसे को यू नो एक बहुत हेल्दी आय के साथ देखने की ज़रूरत है एक्वेरियस। आपको आप पैसे को शायद एक बहुत ही शैडो की एनर्जी से देख रहे हो। कुछ लोगों के मनी को लेकर ब्लॉकेजेस भी हाइलाइटेड होंगे इस वीक में, जहाँ पर आपको अपनी लैक कॉन्शियसनेस के कुछ पहलू देखने को मिलेंगे। एक्नॉलेज कीजिए, देखिए जब भी कोई चीज़ आपके बारे में जो आपको बुरी लग रही है और वो सरफेस लेवल पे आती है ना, उससे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे एक्नॉलेज कीजिए कि मुझ पे ये कमी है और मुझे इसे ठीक करना है। ओके तो पैसे को लेकर जो आपका नज़रिया है उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की कड़वाहट जो है इस वीक में हाइलाइटेड होगी, और आपको उसे एक्नॉलेज करना है और उसे ठीक करने की यू नो अपने आप के साथ कोई ना कोई कमिटमेंट लेकर आनी है। आप यहाँ पर अबंडेंस कॉन्शियसनेस की जो एफर्मेशंस होती हैं उनको भी यहाँ पर स्टडी कर सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ एक्वेरियस, एक रिश्ते को पाने के लिए दूसरे रिश्ते को कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए, ये भी आपकी एडवाइस में है। खास करके यहाँ पर मैं माँ की ऊर्जा देख पकड़ रही हूँ। ओके तो एक रिश्ते के लिए अगर आप यू नो आपको कोई पसंद आ गया और उनके चक्कर में आप अपने मम्मा को हर्ट कर रहे हो, वो मत कीजिए, क्योंकि उसी चीज़ का जो कहते हैं ना कि जो कर्म का फल है वो आपके इस रिश्ते पर, जिसकी वजह से अपनी मॉम को हर्ट कर रहे हो या किसी चाहने वाले को हर्ट कर रहे हो, किसी फैमिली मेम्बर को, तो वो हो सकता है कि उसी चीज़ का जो कर्मों का फल है वो आपके इस रिश्ते पर भी पड़े। ये डेविल की ऊर्जा। ओके तो जिसके लिए भी ये मैसेज है, प्लीज़ एक रिश्ते की खुशी के लिए दूसरे रिश्ते का दम घोंटने की ज़रूरत नहीं है, हम रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। ओके लेट्स सी आपके लिए ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य आई थिंक ये कार्ड आएगा, आना चाहता है लीडरशिप। ओके आपको एक मैसेज यहाँ पर ये दे रहे हैं वो कि आपके इस वक्त जो लाइफ एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं ये आपको प्रिपेयर कर रहे हैं भविष्य में एक लीडरशिप रोल के लिए। इस वीक में भी स्पेसिफिकली कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी जिसको अगर आप पूरा कर लेते हैं, जिम्मेदारी को निभा लेते हैं या अपना ये डिसीजन अपने बलबूते पर ले लेते हैं, तो आपको एक लीडर के रूप में देखा जाने लगेगा। ओके आपकी जो रिस्पेक्ट है वो इसी वीक में मुझे जैसे
बढ़ती हुई नजर आ रही है. सो यस, इस वीक के एक्सपीरियंसेस को एक किस्म के यू नो हेल्दी चैलेंज के रूप में देखिए, जो आपके स्टारस को भविष्य में इस आने वाले समय में बढ़ाएगा. ओके, खास करके लीडरशिप रोल के लिए. इंटेलिजेंस, यस, आप अपनी इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कीजिए. जैसे यहाँ पर हम टू ऑफ सोर्ड्स में भी देख सकते हैं, आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है. ओके, आपकी आपका ज्ञान क्या आपसे आपको बता रहा है आपके जीवन के बारे में. जितना आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, जितना आप अपनी इंटेलिजेंस को यू नो एक्नॉलेज करेंगे, कहेंगे कि यस, मैं एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कर सकता हूँ, उतनी ही ज़्यादा ये जो ऊर्जा है आपके हक में काम करेगी. ओके, हेल्दी थॉट्स आने शुरू होंगे. इनोसेंस, तो वही चीज़ है यहाँ पर. इनोसेंस जो हमें फूल कार्ड में भी दिखती है, फूल कार्ड इनोसेंट इस वजह से ही गिना जाता है क्योंकि ये यू नो एक फन एक फ्लो एनर्जी में होता है. ये अटैचमेंट नहीं पालता. अटैचमेंट के साथ स्टोरीज आती हैं, स्टोरीज के साथ सफरिंग आती हैं. इसे फूल ही रहना है, फिर चाहे ये लवर्स के कार्ड में है, फिर चाहे ये चैरियट के कार्ड में है. ये सिर्फ एक्सपीरियंसेस ले रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये है फूल ही. अपनी इनोसेंट एनर्जी में रहिए. ओके, एक्सपीरियंसेस को गेन कीजिए. जस्ट बिकॉज कि आपको किसी के सामने यू नो चलाकी करने की ज़रूरत है, तो आप चलाक नहीं बन गए. आपके अलग 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 सेल्फ हो सकते हैं, लेकिन आपकी आपकी यू नो वो एक सेल्फ जिसके थ्रू आप ये सारी अदर जो अलग अलग सेल्फ उसको जी रहे हो, अपनी उस सोर्स एनर्जी के साथ बेसिकली कनेक्ट रहना है. और आपके यहाँ जो सोर्स एनर्जी है वो है इनोसेंस. इसका भी नंबर ज़ीरो है, इसका भी नंबर ज़ीरो है. एंजल नंबर 00 कुछ लोगों के लिए इस वीक में एक साइन के रूप में काम करेगा. और जब भी आपको ये नज़र आए 00, ये इसी बात का संकेत है कि आपको कहा जा रहा है कि अपनी इनोसेंट सेल्फ को एम्ब्रेस करो, क्योंकि वही आपकी ट्रू सेल्फ है. ओके, फाइनल कार्ड आपका है यहाँ पर लॉयल्टी. यस, जितना हो सके लॉयल रहिए अपने रिलेशनशिप्स में. एक रिश्ते के लिए दूसरे रिश्ते का गला मत घोंटिए. यही बेसिकली मुझे लॉयल्टी में दिख रहा है आपके लिए. और अपने ड्रीम्स को भी एक लॉयल डिसिप्लिन के साथ एक लॉयल स्ट्रक्चर दीजिए. यू नो लॉयल रहिए अपने ड्रीम्स के प्रति भी यहाँ पर. और जितना आप वो करेंगे उतने ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं आपको अपनी जर्नी में देखने को मिलेंगे. ओके, सो यस एक्वेरियंस, ये आपकी रीडिंग है. आई होप कि इससे आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय.